कर्नाटक में पीएम के मंच पर क्यों पहुंचा एक मुस्लिम परिवार? आखिर मुस्लिम लड़की ने पीएम मोदी को क्यों कहा शुक्रिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बीते मंगलवार को सूबे की राजधानी बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उसी रैली के दौरान एक ऐसा वाक्या सामने आया जिसे देखकर हैरान रह गए। दरअसल इस रैली में पीएम मोदी जब मंच पर बैठे थे, तभी बेबी सारा नाम की एक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार मंच पर आ गया और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, बेबी सारा ने इस दौरान पीएम मोदी से उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बेबी सारा ने उन्हें भगवान बुद्ध से जुड़ी दो किताबें, भगवान बुद्ध और उनका धम्म और धम्म पद बतौर तोहफे में दी। ये जानकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर कर्नाटक के मांड्या की रहने वाली बेबी सारा ने पीएम मोदी को शुक्रिया क्यों कहा। तो आपको बता दें कि फिलहाल माय शुगर फैक्ट्री में काम कर रही सारा को पोस्ट ग्रेजुएट करने और IBM कंपनी में जॉब लगाने में पीएम मोदी की तरफ से मदद मिली थी। सारा ने बीकॉम में 84% अंक हासिल किए थे, लेकिन MBA की पढ़ाई के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत थी। बैंक ने लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने PMO को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद PMO के अधिकारियों ने फौरन लोन का प्रबंध करवा दिया। नतीजा ये है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद सारा अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर रही है। सारा PM से मिली इसी मदद के बदले शुक्रिया करने पहुंची थी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।